हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके देख रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 29। ये क्लास 9 की 10 सितंबर की ये वर्कशीट है। तो हमने लास्ट वीक वर्कशीट की थी स्टोरी राइटिंग के ऊपर, तो ये उसी की कंटिन्यूएशन में ये वर्कशीट है। तो सबसे पहले जो आपका पिछला जो लेसन था वो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इस वर्कशीट में। तो स्टोरी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वर्कशीट में कि उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं ये चार। तो पहला पार्ट है कैरेक्टर। स्टोरी में कौन से लोग हैं, कौन से एनिमल्स हैं, कौन से क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में स्टोरी है। फिर दूसरा एलिमेंट है स्टोरी का सेटिंग, कि स्टोरी कहाँ पर है या किस समय पर है, वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक्स प्लेस। तो किस जगह पर जो है स्टोरी हो रही है, कैसा मौसम है, कैसी जगह है, क्या समय है, क्या टाइम है, तो इन सब के बारे में ये सेटिंग में लिखा जाता है। फिर प्रॉब्लम क्या है, स्टोरी का एक और एलिमेंट है प्रॉब्लम। तो एक चैलेंज या कॉन्फ्लिक्ट या कोई इश्यू होता है जो मेन कैरेक्टर जो है स्टोरी का वो फेस करता है, वही कहानी की प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ स्टोरी का एक और एलिमेंट होता है सोल्यूशन। तो वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कैसे हुई, तो आप कोई भी मूवी देख सकते हैं या कोई भी अगर स्टोरी देखेंगे तो उसमें आपको ये चारों एलिमेंट्स जरूर ही जरूर मिलेंगे। तो इस वीक आपको क्या करना है, इस वीक यहाँ पर आपको कुछ स्टोरी, एक स्टोरी दी गई है लेकिन उसके जो सेंटेंसेस हैं वो करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है। तो उन सेंटेंसेस को यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं कि उन सेंटेंसेस को आप कैसे जो है सीक्वेंस में डालेंगे। तो वो सीक्वेंस में डालकर आपको यहाँ पर ये स्टोरी जो है रीराइट करनी है करेक्ट सेंटेंसेस के साथ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बेस्ड ऑन रीडिंग द अबव स्टोरी आइडेंटिफाई। तो ये स्टोरी पढ़ते हुए आपको यहाँ पर इस स्टोरी में से कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम और सोल्यूशन जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो अब जल्दी से जो स्टोरी है वो देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वन डे अ स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर एंड चैलेंज्ड बीरबल टू आंसर हिज क्वेश्चंस एंड दस प्रूव दैट ही वाज एज क्लेवर एज पीपल सेड ही वाज। तो एक बार की बात है कि एम्परर अकबर जो राजा थे उनके दरबार में, उनके कोर्ट में, कोर्ट को बोलते हैं दरबार, उसमें जो है एक स्कॉलर आया, मतलब बहुत ही ज्ञानी इंसान आया और उसने बीरबल को चैलेंज किया। उसे बोला कि तुम कहते हो, सभी लोग कहते हैं कि तुम बहुत क्लेवर हो, बहुत चालाक हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो मेरे जो भी क्वेश्चंस हैं उनका तुम आंसर दे दो और प्रूव कर दो कि हाँ तुम उतने ही क्लेवर हो। तो कॉन्टेक्स्ट तो ये है। फिर आगे क्या हुआ, आगे जो भी हुआ यहाँ पर थोड़ा जम्बल्ड अप है, तो मैं बस इन सेंटेंसेस को पढ़कर आपको इनका मीनिंग बता देती हूँ और फिर हम देखेंगे कि हम कैसे इसको अनजम्बल करेंगे, कैसे इसे करेक्ट सीक्वेंस में हम लिखेंगे। अगला सेंटेंस यहाँ लिखा है, बोथ द एम्परर एंड बीरबल हैड हैड अ डिफिकल्ट डे एंड वर इम्पेशेंट टू लीव। तो जो एम्परर अकबर थे और बीरबल थे, दोनों का ही बहुत ही लंबा दिन गुजरा था, बहुत ही थके हुए थे और वो बहुत जल्दी अब जो है वो जाना चाह रहे थे, तो वो ज्यादा उसके सवालों का आंसर नहीं करना चाह रहे थे। वेल देन टेल मी, सेड द मैन, विच केम फर्स्ट इन टू द वर्ल्ड, द चिकन और द एग। फिर उस इंसान ने कहा, स्कॉलर ने कहा कि ठीक है, फिर मुझे बताओ कि इस दुनिया में कौन पहले आया, पहले अंडा आया या मुर्गी आई, या मुर्गी का बच्चा चिकन आया। द चिकन, रिप्लाइड बीरबल। तो बीरबल ने कहा चिकन आया। आस्क मी वन डिफिकल्ट क्वेश्चन, सेड बीरबल। बीरबल ने कहा मुझसे एक मुश्किल क्वेश्चन, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछो। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंसेस आगे पीछे हैं। वी हैड अग्रीड यू वुड आस्क ओनली वन क्वेश्चन एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट, सेड बीरबल एंड ही एंड द एम्परर वॉकड अवे लीविंग द स्कॉलर गेपिंग। फिर बीरबल ने कहा कि हमने तो ये अग्री किया था, हमने तो ये कहा था कि तुम सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ चुके और वो तुम ऑलरेडी पूछ चुके हो। तो ये कहकर वो और एम्परर जो है वो चले गए और जो स्कॉलर था, जो ज्ञानी आदमी जो था, वो बस उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तो गेपिंग का मतलब होता है मुंह खुले का खुला रह जाना, बड़ा सा मुंह खोलना। आगे लिखा है, ही आस्क्ड बीरबल, वुड यू प्रेफर टू आंसर 100 इजी क्वेश्चंस और जस्ट अ सिंगल डिफिकल्ट वन। उसने बीरबल से पूछा कि क्या तुम 100 जो है इजी क्वेश्चन का आंसर करना चाहोगे, 100 जो है बिल्कुल आसान से क्वेश्चन का आंसर करना चाहोगे, या एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन का आंसर करना चाहोगे। हाउ डू यू नो, आस्क द स्कॉलर, अ नोट ऑफ ट्रायम्फ इन हिज वॉइस। तुम्हें कैसे पता, ये ज्ञानी जो वो स्कॉलर था उसने पूछा और उसकी आवाज में जो है एक जो है जीत की खुशी नजर आ रही थी। तो ये जो है सेंटेंसेस आगे पीछे है,
तो जो आपका ये आइडेंटिफाई करने वाला जो टास्क है उससे पहले जरा मैं सोच रही हूँ कि इसको जो है करेक्ट सीक्वेंस में डाल लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें जो है स्टोरी के कैरेक्टर, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, सेटिंग आइडेंटिफाई करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला जो आपका सेंटेंस है, तो आप इसको फॉलो करते रहिए इस वीडियो को, आपको मैं लाइन बाय लाइन बता देती हूँ कि पहला क्या है, दूसरा क्या है। कोशिश कीजिए पहले खुद इसे ट्राई करने की, स्टोरी में आपको समझा ही चुकी हूँ कि सबका मीनिंग क्या है, पहले खुद लिखने की कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर अब जब मैं आपको बताऊंगी कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस स्टोरी का यही होगा, पहली जो लाइन है वो तो करेक्ट है। तो फर्स्ट लाइन होगी ये कि एक बार एक स्कॉलर आया, वन डे स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर एंड चैलेंज बीरबल टू आंसर हिज क्वेश्चन एंड दस प्रूव दैट ही वाज एज क्लेवर एज पीपल सेड ही वाज। ये फर्स्ट है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसने स्कॉलर ने क्या हुआ कहा होगा, तो स्कॉलर ने ये पूछा, ही आस्क्ड बीरबल वुड यू प्रेफर टू आंसर 100 इजी क्वेश्चंस और जस्ट अ सिंगल डिफिकल्ट वन। ये फिर उस स्कॉलर ने पूछा, ये आपका सेकंड होगा, मतलब सेकंड, इसके बाद सेकंड सेंटेंस आप ये लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे बोथ द एम्परर एंड बीरबल हैड हैड अ डिफिकल्ट डे और वो जल्दी जाना चाहते थे। तो जब उसने ये चॉइस दी कि भाई 100 क्वेश्चन पूछूं या एक क्वेश्चन पूछूं, तो वो बहुत ही थके हुए थे, तो उन्होंने सोचा चल यार तू छोड़, तू एक ही क्वेश्चन हमसे पूछ ले। तो फिर जो फोर्थ सेंटेंस होगा वो आपका ये होगा, आस्क मी वन डिफिकल्ट क्वेश्चन सेड बीरबल। ये आपका आपका फोर्थ सेंटेंस है। फिफ्थ सेंटेंस आपका होगा, वेल देन टेल मी सेड द मैन विच केम फर्स्ट इन टू द वर्ल्ड। तो फिर वो जो है आदमी जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपका जो है वो हो गया, अब क्वेश्चन पूछ लिया है तो फिर बीरबल जो है आंसर भी देगा। तो नेक्स्ट आपका सेंटेंस होगा ये, द चिकन रिप्लाइड बीरबल। तो बीरबल ने जो है वो आंसर भी दे दिया। उसके बाद आ जाता है, जैसे ही बीरबल ने आंसर दिया वैसे ही स्कॉलर जो था उसने क्या क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता कि उसने क्वेश्चन पूछा। उसके बाद जो है बीरबल का जवाब आता है, वी हैड अग्रीड कि तुम हमसे एक ही क्वेश्चन पूछोगे और वो तुम ऑलरेडी पूछ चुके हो, तो ये जो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि भाई तुम्हें कैसे पता, उसका मैं क्या करूं, पूछते रहो। तो ये कह के बीरबल जो है वो निकल जाता है और जो स्कॉलर जो है ही जस्ट स्टैंड गेपिंग। तो इस तरह से आप इसको स्टोरी को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, ऑर्डर में डाल सकते हैं। तो ये जो है आप यहाँ पर लेट अस रीराइट द स्टोरी, ये यहाँ पर आप करेक्ट सीक्वेंस में इसे लिखेंगे। अब इस स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं, सेटिंग है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप पहले खुद करके देखिए, बहुत ही सिंपल है ये तो, बल्कि मुझे मजा आता है ये करने में, एलिमेंट्स ये ढूंढने में। तो आप खुद करके देखिए और उसके बाद फिर यहाँ से आप जो आंसर है उसे क्रॉस चेक कर लीजिए। तो स्टोरी के कैरेक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं एम्परर अकबर है, बीरबल है और वो स्कॉलर है। सेटिंग क्या है? सेटिंग है ये स्टोरी कहाँ पर हो रही है, तो वो एम्परर अकबर की कोर्ट में हो रही है, मतलब उनके दरबार में हो रही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है स्कॉलर ट्राइंग टू डिस्प्रूव बीरबल्स क्लेवरनेस। तो डिस्प्रूव का मतलब होता है कुछ ये प्रूव करना कि ये जो चीज है वो गलत है, फॉल्स है, मतलब झूठ है। तो स्कॉलर ये ट्राई कर रहा है प्रूव करने का कि जो बीरबल की क्लेवरनेस की जो बात की जाती है, उसकी इंटेलिजेंस की, चालाकपन की जो बात की जाती है, हाजिर जवाबी की जो बात की जाती है, वो जो है वो बात गलत है। तो ये प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या है स्टोरी में? सोल्यूशन यही है कि बीरबल जो है वो आउटविट कर देता है स्कॉलर को ही, तो उस ज्ञानी इंसान को ही वो जो है आउटविट कर देता है, मतलब कि करारा जवाब दे देता है, हाजिर जवाबी दे देता है, और उसकी जो क्लेवरनेस जो है, समझदारी जो है बीरबल की, वो प्रूव हो जाती है। तो यही इस स्टोरी का सोल्यूशन है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी ये वर्कशीट। कोई भी डाउट है तो जरूर हमसे पूछिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही है, हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।